माता की जय, माता की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गौशाला का सुधार करो, सुधार करो, सुधार करो। गौशाला का सुधार करो। कौन सी गौशाला? रेवना कानपुर। कौन सी गौशाला? रेवना कानपुर। कौन सी गौशाला? रेवना कानपुर। कितनी गाय मरी? 1000। कितनी गाय मरी? 1000। सुनाई नहीं दिया? 1000। हिंदू कहाँ है? ये हालात 14 तारीख 8वां महीना 2021 के रेलवा खानपुर गौशाला जो कि दिल्ली में नजोगढ़ के पास उपस्थित है, यहाँ पर समाज के जो लड़के हैं उन्होंने यहाँ पे 1 तारीख को विजिट की। उसके बाद यहाँ पे सभी गाय कीचड़ में दबी हुई थी जो निकाल ली गई है, आप देख सकते हैं। ये जब से डॉक्टर ट्रीटमेंट में चली हुई है तो बच पाई हैं, लेकिन यहाँ पे डेली 40-50 गाय अपने प्राण छोड़ देती हैं। ये कठिन प्रयास के बाद गौशाला से अभी भी कोई मदद नहीं मिल रही है। जितने भी भाइयों के आपने नारे सुने, ये प्रतिदिन सुबह आ जाते हैं और शाम को जाते हैं, और झज्जर से इनका उपचार दवाइयों की मदद मिल रही है। सुनील निवाणा करके भाई है जिनकी झज्जर में गौशाला चलती है, वहाँ से काफ़ी मदद यहाँ मिल रही है। उसकी वजह से इन भाइयों का सहारा बढ़ा है जो ये मदद दे पा रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी गाय कीचड़ में दबने के अपना परिणाम जारी कर रही हैं ये गोबर में, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरफ आप देखेंगे, देखिए कीचड़ दर्शेगा आपको कि इतनी गाय ये कीचड़ के अंदर दबी हुई थी जो निकाल ली गई है इन लड़कों की मेहनत के द्वारा। लेकिन ये जो गौशाला है ये MCD के तहत है, रेलवा खानपुर, जो कि रोड से दिल्ली में MCD गाय को उठाती है और यहाँ पर ला कर एडमिट करा देती है, और अगले दिन मरी हुई गायों का ट्रक भर के ले जाने का कार्य करती है, उससे अधिक कुछ नहीं। ये सभी कीचड़ के अंदर दबी हुई गाय मैं आपको दर्शा रहा हूँ, जिनके हालात बहुत गंभीर है, और टीम और सुविधाएँ आना ज़्यादा होने के कारण वार्डों के अंदर 500 से अधिक गाय भी अभी इससे भी गंभीर हालत में उपस्थित है, जिनको यहाँ तक लाने में बहुत कठिन प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन उनको लाया जाएगा। थोड़ी सुविधाएँ समाज देगा इन बच्चों को या सरकार द्वारा कोई मदद मिलेगी, तो आप हालात देख सकते हैं कितनी गंभीर हालत में ये गाय यहाँ पे अपने प्राणों के लिए लड़ रही है, तड़प रही है गाय। ये कितना एक दृश्य ऐसा जो नमन कर देता आँखों को। अगर अपने धर्म में जो सरकार ठेकेदार बनते हैं या समाज के बीच उपस्थित लोग ठेकेदार बनते हैं, उनके बीच में ही एक ऐसा खेल खेला जाता है गौशाला की आड़ में, जो कि MCD की डेली गाड़ी आती है उनको भी उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, और ना यहाँ के किसी गौशाला चलाने वाले अधिकारियों को। बेनंतर है, आपको दर्शा देंगे पूरी गौशाला का दर्द, तो शायद आप लोग देख के गौशाला ऑफिस से विश्वास हटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। काफ़ी गौशालाएँ ऐसी भी हैं जो निरंतर प्रयास से गौओं की सेवा करती है और बहुत अच्छे तरीके से सेवा करती है, लेकिन कुछ गौशालाएँ ऐसी हैं जो बस पैसा कमाने के लिए गौओं के लिए गौशाला खोलने का प्रयत्न करती है। तो इस चीज़ को इतना उठाया जाए कि एक गौशाला में सुधार नहीं, हज़ारों गौशाला में सुधार हो। और आपको बताना चाहेंगे, बीते 3 साल पहले घुम्बनेड़ा में गौशाला थी जहाँ हज़ारों की संख्या में गौओं को मरते हुए देखा था, जो न्यूज़ में 24/7 चली थी काफ़ी दिनों तक, लेकिन आप सुधार कराइएगा। इसमें आप लोगों से निरंतर प्रयास है, इस चीज़ को सुधारिएगा। बहुत दर्द है और दुख है।